नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पीक पर। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबर। अयोध्या में 22 जनवरी को लैंड करेंगे 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन। देश विदेश से जुटेंगे 8000 से ज्यादा VVIP मेहमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स को अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। वह इंडिगो द्वारा अयोध्या से अहमदाबाद फ्लाइट्स के उद्घाटन के लिए आयोजित वर्चुअल समारोह में बोल रहे थे। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को कमर्शियल फ्लाइट्स के अलावा 100 से ज़्यादा चार्टर्ड प्लेन से 8000 से ज़्यादा मेहमान आएंगे। इनमें देश के अलावा विदेश से आने वाले मेहमान भी शामिल हैं। देश विदेश से 40 से अधिक VVIP मेहमान अपने प्लेन से अयोध्या आना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 21 और 22 जनवरी की अनुमति प्रशासन से मांगी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1,00,000 से ज़्यादा लोगों के अयोध्या आने की उम्मीद है। अयोध्या एयरपोर्ट पर 8 शहरों से कमर्शियल और चार्टर्ड फ्लाइट्स के लैंड करने की संभावना है। इनमें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और पणजी शामिल हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोफेशनल फ्लाइट ऑपरेशन का एक उदाहरण पेश करेगा, क्योंकि विशेष दिन पर आने वाले VVIP मेहमान के स्वागत के लिए स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। कई विमान प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर पार्क किए जाएंगे और उनके हैंगर इस विशेष दिन के लिए खाली रखे जाएंगे। MVVIP 2400 घंटे काम करेगा, जिससे कोहरे और अंधेरे की स्थिति में भी उड़ान संचालन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यदि किसी एयरलाइन ने 21 और 22 जनवरी के दिन के लिए उड़ान निर्धारित की है, तो कमर्शियल फ्लाइट्स भी अपना परिचालन जारी रखेंगी। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्पीक पर। धन्यवाद।